सूरज से कोसों दूर सौरमंडल के बाहर के इलाकों में रहता है एक बोना ग्रह प्लूटो। सूरज की रोशनी तो धरती पर सोकासोंक कर देती है, मगर प्लूटो पर इसकी कहानी कुछ अलग है। कभी आपने सोचा है पृथ्वी से 39 गुना दूर कैसा होगा? इतनी ही दूरी पर है प्लूटो हमारी सूरज से। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी वहां पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर पड़ जाती है। मानो एक तेज दिमाग वाले बच्चे की सारी इंटेलिजेंसी किसी कमजोर चीज में समा दी गई हो। अब सूरज की रोशनी कितनी कमजोर होगी ये समझने के लिए एक आसान सी बात है। जितना दूर आप किसी बल्ब से होंगे उतनी ही कम उसकी रोशनी आपको महसूस होगी। प्लूटो के मामले में तो ये बल्ब बहुत बहुत दूर चला गया है। वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटो को जितनी धूप मिलती है वो धरती को मिलने वाले धूप का सिर्फ 1% है। लेकिन ये कमजोर रोशनी भी बेकार नहीं, ये इतनी है कि अगर आप प्लूटो पर हो तो वहाँ किताब पढ़ने के लिए काफी है। जी हाँ, थोड़ा अंधेरा जरूर होगा पर आप सूरज की रोशनी में किताब पढ़ सकते हैं। ये रोशनी उस समय जैसी होती है जब पृथ्वी पर सूरज डूबने के बाद थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन आसपास की चीजें देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्लूटो पर रोशनी तो कम है पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। ये कम रोशनी में भी अपने आप में खास है और हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सौरमंडल के बाहरी इलाकों में क्या कुछ हो सकता है।